हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे, न्यू फ्रेश टॉपिक चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि मेरा एक और चैनल भी है नया, महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। आप YouTube पे जाकर सर्च करें महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे, वहाँ से भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी वहाँ शॉर्टकट चल रहा है नंबर सिस्टम का, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए इस टाइप से इक्वल टू व्हाट क्या होगा, आप जा करके पढ़ लें। जैसे क्वेश्चन चल रहा है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस इंटू जितना भी होता है, जितना भी टाइप होता है इसका, जैसे रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव, जितना भी होता है टाइप दोस्तों, हम प्रादी जाकर के आप पढ़ लें। तो दोस्तों मेरा तो चलते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। कोई व्यापारी 11 रुपया में 10 कलम खरीदता है। कोई व्यापारी कितना, कही 11 रुपया में कितना पेन खरीदता है? कहे सर 10 पेन खरीदता है। तो ये बाय किया, खरीदा, किसी कारणवश वो 10 रुपया में 11 की दर से बेच देता है। तो किसी कारणवश वो 10 रुपया में क्या करता है, 11 की दर से बेच देता है। तो ये क्या किया, सेल किया। तो पूछ रहा है आपसे कि तो प्रतिशत हानि क्या होगा, उसको हानि कितना हुआ, कितना परसेंट का हानि हुआ। एक चीज आप दोस्त बताइए कि 11 पहले क्या, 11 रुपया में 10 कलम खरीदता है, 11 रुपया में 10 कलम खरीदता है और 10 रुपया में 11 कलम बेचता है, ये कैसे संभव है? खरीदता है 10 पेन, बेचता है 11 पेन, ये तो विचित्र बात है दोस्तों। अरे 10 पेन खरीदेगा तो 10 ही पेन तो बेचेगा, 11 पेन कहाँ से लाएगा, वो एक पेन एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा? 10 पेन खरीदा है तो 10 ही पेन ना बेचेगा। तो कहे सर यहाँ क्वांटिटी आप बराबर कर लें, तो चलिए करते हैं क्वांटिटी बराबर। बराबर करेंगे तो यहाँ 10 है यहाँ 11, तो बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो 10 11 का एलसीएम कितना होगा, तो कहे सर 110 होगा एलसीएम। आप इसको 110 को 110 बनाने के लिए कहे सर 11 से मल्टीप्लाई करें, इस साइड 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहे 121 आ गया। यहाँ 110 बनाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें, तो कहीं वहाँ यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 100। आप देखिए क्वांटिटी इक्वल हो गया, क्वांटिटी क्या हुआ, अब इक्वल हो गया, 110 यहाँ हो गया, यहाँ भी 110 हो गया, यहाँ भी 110 हो गया, यहाँ भी 110 हो गया। आप बताइए 110 पेन खरीदा कितना में, कहिए सर 121 रुपया में, लेकिन 110 पेन बेचा कितना में, तो कहिए सर 100 रुपया में। तो आप ही बताइए कि कितने रुपया का हानि हुआ, तो कहीं खरीदा था 100 के इसमें बेचा 100 में, तो कोई मूर्ख बोलेगा कि 21 रुपया का हानि हुआ। तो हम अभी बताए थे कि हानि हुआ तो हानि का परसेंट बराबर हानि गुने 100, लेकिन किस पर हानि हुआ, तो बोलेगा सर 121 पर हानि हुआ, तो ये कितना होगा 2100 बटे 121। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 121 2100 में डिवाइड करेंगे तो 121 वन मरतब कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210 0 121, ये 10 में से 19, ये 10 2 8 आ जाएगा 0 10 8 1 8 16 9 ज़्यादा हो जाएगा 7 से लग जाएगा, यहाँ 7 से लगाएंगे तो 7 1 7 7 2 14 7 1 7 1 8 हो जाएगा। माइनस कर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3, यहाँ 8 में से 4 करेंगे तो 4, यानी कि 17/43/121% उसको हानि होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए क्या है। क्या है, मोहन ने 20 किग्रा चीनी 15 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा है। 20 केजी चीनी खरीदा लेकिन कितने रुपये, 15 रुपये प्रति केजी, तो 20 केजी चीनी को 15 रुपये प्रति दर की दर से कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपीज़ हो जाएगा खरीदता है। इस चीनी को 14 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर मोहन को कितने प्रतिशत का हानि हुई, खरीदा है 15 रुपये लेकिन 20 केजी चीनी बेचेगा वो 14 रुपये, तो कहीं कितना रुपया उसको मिलेगा, कहीं
280 रुपया मिलेगा। तो खरीदा है 300 रुपया में, बेचा है 280 में, तो क्या होगा, कहीं हानि होगा सर, कितना का? तो बोलेगा 20 रुपया का हानि हुआ, तो हानि का परसेंट गुने हानि गुने 100। लेकिन किस पर हानि होगा? कहीं सर 300 हानि होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर ही हानि होता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20/3 आ गया, 20/3 मीन्स क्या होगा, 6/2/3% होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत से दोस्त बोलेंगे कि सर कैसे आप बोल दिए कि 6/2/3% होगा, तो दोस्तों डिवाइड करना था, यहाँ डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करना था 20 में, तो 3 6 कितना होगा, 18 होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा 6/3/2% होगा कि नहीं होगा, बताइए आप ही, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। चलते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्या है क्वेश्चन। एक चाय दुकानदार ने 10 किग्रा चाय 80 रुपये प्रति किग्रा की दर से, 10 किग्रा चाय 80 रुपये प्रति केजी दर से खरीदता है, तो 10 केजी के दाम के सर 800 रुपया होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 किग्रा चाय को 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीद कर मिला देता है, तो 2 किग्रा चाय 100 रुपया है, तो कही 200 रुपया हो गया, तो मिला दिया, तो कही सर मिला दिए 1000 रुपया में खरीद लिया टोटल। अब बोल रहा है कि वह चाय को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, तो लाभ के लिए 125% से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो 25% निकाल करके जोड़ दीजिए, ये ऐसे भी हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 1250 रुपया आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ऑप्शन दोस्तों गलत है, ऑप्शन ठीक कर लें, कोई भी ऑप्शन ठीक कर लें, यही ठीक कर ले, डी नंबर 1250 डाल दिए, रॉन्ग है ऑप्शन, 1250 ही होगा। आप ये बताइए दोस्तों कि 1000 रुपया वो खरीदा ही, तो 1% भी लाभ होगा तो 1000 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 300-200 कहाँ से आएगा आंसर, ऑप्शन गलत था, ठीक कर लीजिए, 1250 रुपया होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्या है 29, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए। एक फल विक्रेता ने 1 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे, इन पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने संतरे की दर से बेचना होगा। यहाँ दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, आप बताइए, हम बोलेंगे कि 10 पेन का जो मूल्य होगा वो 60 रुपया है, 10 पेन का मूल कितना है, कहीं 60 रुपया है, तो हम बोलेंगे सर 1 पेन का मूल कितना होगा, तो कहे हमेशा रुपया में पेन से हम डिवाइड करें, कहीं 6 रुपीज हो जाएगा। नहीं समझे दोस्तों, फिर से समझिए, अगर हम बोल देंगे कि 50 रुपया में 5 पेन मिला हमको, 50 रुपया में 5 पेन मिला, तो 1 पेन का दाम, तो कहीं सर रुपया से डिवाइड करें, तो रुपया से डिवाइड कर दे, तो 50 आ जाएगा, यानी कि 1 पेन का मूल्य कितना होगा, कहीं 10 रुपया होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या सीख, ऐसा नहीं कि हम 5 ऊपर कर देंगे 50 नीचा कर देंगे, हमेशा रुपया नहीं, हमेशा क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, हमेशा आपको याद रखना है कि क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यही क्या है क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 1 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदता है, तो आपका रुपया सर ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, कहीं 1 ऊपर चला जाएगा, आप क्वांटिटी नीचे आ जाएगा, कि 5 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत, 5 की दर से संतरे खरीदता है, इन पर 25% लाभ लेगा, तो कहीं 125% से सर मल्टीप्लाई कर दें। आप पूछ रहा है कि 1 रुपये कितने संतरे बेचना चाहिए, तो ये 1 का मान आपको निकालना है, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 से 25 मरतबे कर जाएगा, और 25 से कितना, 4 मरतबे कर जाएगा, तो आप ही बताइए दोस्तों 1 रुपये में कितने पेन वो क्या करेंगे, बेचेंगे, तो कहे सर 1 रुपये में वो 4 पेन बेचना पड़ेगा उसको। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, यहाँ ऊपर में 1 है, नीचे में 4 है, तो बताइए 4 भाग में 1 भाग है, यानी कि 1 नीचे में कितना है, 4 है, तो 1 पेन क्या हुआ है ऊपर में, बताइए एक पेन बेचेगा तो उसको कितने रुपया मिलेगा, कहीं 4 रुपया मिलेगा, और टोटल कितने पेन है, देखिए 4 1 5 पेन है, ऐसा ही लिखा जाता, समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन बताइए आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए क्या है? एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक जो विक्रेता होगा वो क्या कहता है कि हम माल मूल यानी कि 100 रुपया में खरीदे हैं, आपको 2100 रुपया में दे देंगे वस्तु। दोस्तों ये दावा करता है, लेकिन दुकानदार होता है तेज, वो तो बोलेगा 100 रुपया में खरीदे हैं 100 में दे देंगे आपको, लेकिन यहाँ तो क्या करेगा उसको वजन में कम कर देगा। कौन देगा आपको रुपया में? 50 रुपीज में खरीदेगा आपको, 50 रुपये में कैसे दे देगा बताइए? तो क्या क्या होगा, आप तो भाई 100 में खरीदा होगा, 100 में आपको दे देगा, लेकिन वो चालाकी क्या हो क्या होगा कि जहाँ 1000 ग्राम देता होगा वहाँ आपको 800 ग्राम देता होगा, 700 ग्राम देता होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो वही बात है यहाँ, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक किग्रा बांटने के स्थान पर 900 ग्राम का झूठ बांट का प्रयोग करता है। तो बच्चा ये 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम हुआ। वो बोलता है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो तोल के कितना दिया, कहीं 900 ग्राम ही दिया, तो कहीं कितना परसेंट का, कितना का लाभ लिया, कहीं 100 ग्राम का वो लाभ कम आया, तो लाभ का परसेंट गुने लाभ गुने 100, यही बताएं किस पर लाभ लेगा दोस्तों, कहीं 900 ग्राम पर ही तो वो लाभ लेगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। और 100/9, और 100/9 की मीन्स क्या हुआ, कहीं 9 1 9, ये 1 9 1 9, ये अपन 11/1/9 परसेंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छा से मेहनत करें, ये क्वेश्चन ये SW दे दिए हैं, क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ये SW दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए दोस्तों, ये भी आपको SW दे दिए, अच्छा से आप लोग बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।